एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ मॉर्निंग में आप दोनों की आज की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले आप में से जितने भी चैनल पे नए सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये रीडिंग डेली मॉर्निंग में आती है। इस रीडिंग में हमेशा राइट साइड में आपकी एनर्जी होगी, लेफ़्ट साइड में आपके पर्सन की, और अगर आप सिंगल हैं तो सिर्फ राइट साइड की एनर्जी को फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की एनर्जी और उनके पर्सन की एनर्जी कलेक्टिव लेवल पे आज के दिन में। सो ये है गाइस आपकी एनर्जी और ये आपके पर्सन की। आपकी तरफ फर्स्ट कार्ड वी हैव द फूल, सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, Queen of Wands, Five of Swords, Nine of Wands, and overall energy है the Lovers। तो guys आज की energy में आपकी तरफ especially आपकी energy है, तो जो लोग union में हैं उनकी energy आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहेगी। मुलाकात हो सकती है, बातचीत हो सकती है, सडनली आपके पर्सन या आप उनको बुला सकते हैं मिलने के लिए, कुछ इस तरह की एनर्जी है। या बहुत रोमांटिक कन्वर्सेशन हो सकती है, कुछ ऐसे आपकी फीलिंग्स हैं जो आप एक्सप्रेस कर सकते हो आज के दिन में। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, बिल्कुल बात नहीं हो रही, तो आज के दिन आप मिस बहुत ज़्यादा करोगे अपने पर्सन को, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली। ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आपका किसी बात पर झगड़ा हुआ है अपने पर्सन से, लड़ाई हुई है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रही हैं, तो आज के दिन में आपकी उनसे बातचीत हो सकती है कि जैसे सॉल्व आउट करने के लिए, आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उसको बैलेंस आउट करने के लिए बातचीत हो सकती है। इसके अलावा मिसिंग एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, जैसे कि मैंने कहा उनकी पुरानी बातें, उनके साथ बिताया गया पल आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ सकता है, बहुत ज़्यादा याद आ सकता है। साथ ही साथ अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आज के दिन आप में से कई लोगों को कुछ सरप्राइजेज़ मिल सकते हैं, जैसे कोई गिफ्ट, कोई मेमरीज़, कोई ऐसा सरप्राइज़ जो कि आपने एक्सपेक्ट ना किया हो। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए आज का दिन ऐसा है जैसे आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस्ड हैं, अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं, अपने घर में कोई फंक्शन है जिसका आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे किसी की शादी है या कोई तिलक सेरेमनी है, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आज का दिन ऐसा है जैसे बहुत हेक्टिक होगा, आपके ऊपर बहुत सारा काम है और आपकी ज़्यादातर जो एनर्जी है वो कुछ साफ़ करने में जा रही है, कोई पुराने ड्रॉर्स, पुरानी अलमीरा जिसमें आपने बहुत टाइम से अपने कबर्ड में कुछ क्लीनिंग नहीं की है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह की वाइब्स है। कुछ लोगों की एनर्जी में आज का दिन घूमना फिरना, एंजॉय करना, ये वाली एनर्जी है। सिंगल हैं तो आज के दिन थोड़ा सा किसी बात का फियर हो सकता है या कोई प्रेशर है आपके ऊपर, साथ ही साथ किसी से बेतुकी बातों पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए आज का दिन ऐसा होगा जैसे आप कोई चैरिटेबल वर्क कर सकते हैं, कहीं डोनेशंस कर सकते हैं, कहीं किसी को हेल्प कर सकते हैं। अगर दो लोगों में झगड़ा हुआ है तो कुछ लोग मीडिएटर बन के पीसफुल रिजोल्यूशन भी निकाल सकते हैं, मतलब दो लोगों के झगड़े को सॉल्व कराने का जो पुण्य है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। ये वाली एनर्जी है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, कोई हैवीनेस मुझे नज़र नहीं आ रही।
आज थोड़ा वॉइस में आपको फ़ैन की आवाज़ आ सकती है बिकॉज़ लाइट नहीं है आज सुबह से, तो मॉर्निंग की एनर्जी मैं डाल रही हूँ, उसके बाद लाइट आएगी तभी मैं डालूँगी, क्योंकि फ़ैन की आवाज़ से फिर वीडियो में साउंड का प्रॉब्लम हो जाता है। देखते हैं आपके पर्सन की तरफ। फर्स्ट कार्ड वी हैव द सन, सन के साथ वी हैव द चैरियट मेजर अरकाना, देन वी हैव फाइव ऑफ कप्स, देन वी हैव टू ऑफ वांड्स, देन वी हैव प्रिंसेस ऑफ कप्स, देन वी हैव नाइन ऑफ कप्स एंड ओवरऑल एनर्जी वी हैव एट ऑफ कप्स। तो आज के दिन वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वी हैव वाटर 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 वाटर, तो वाटर एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। इसके अलावा वी हैव फायर, वी हैव फायर फायर एनर्जी एंड वाटर एनर्जी एंड अर्थ एनर्जी, ये तीन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आज आपके पर्सन की, स्पेशली वाटर एनर्जी। वाटर एनर्जी जब भी स्ट्रॉन्ग होती है तो पर्सनल बहुत दिल की सुनता है, बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है, और अपने इमोशंस को जैसे कंट्रोल करते कई बार हम अपने इमोशंस को, तो ये अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे थे बहुत टाइम से, बट अब कंट्रोल नहीं होगा इनसे। इनको ऐसा लगेगा कि अब अगर मैंने स्टैंड नहीं लिया या एक्शन नहीं लिया या अब मैंने स्टेप नहीं लिया तो शायद हमारा रिश्ता ही ख़त्म हो जाएगा, फिर कुछ बचेगा ही नहीं, मुझे मूव ऑन करना पड़ जाएगा, इस तरह की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की एनर्जी में आज का दिन ऐसा है जैसे इन्होंने किसी से इमोशनली अपनी एनर्जी को खींच लिया है और दुखी भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये एनर्जी खींच लिए हैं और ये खुश हैं, इन्होंने किसी से दूरी बनाने का डिसीजन लिया है क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जो दूरी बन रही है वो ज़रूरत है, उसकी नीड है। स्पेशली ये दूरी इनके खुद के परिवार से बन रही है बिकॉज वी हैव द सन एंड द चैरियट विद फाइव ऑफ कप्स। जैसे फैमिली किसी सिचुएशन पर राज़ी नहीं है और आपके पर्सन फैमिली के अगेंस्ट जाकर कुछ डिसीजन ले रहे हैं, बहुत समय तक इन्होंने इंतज़ार किया है कि शायद अब फैमिली मान जाए, शायद अब सिचुएशन इनके फेवर में आ जाए, बट आई नहीं, तो अब इन्होंने अपने हिसाब से डिसीजन लेने का फ़ैसला किया है स्पेशली अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो ये यहाँ पर आज की एनर्जी में क्लियर मैसेज है। इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर को आज के दिन कहीं दूर ट्रैवल करना पड़ सकता है, मींस वन सिटी टू अनदर सिटी और स्पेशली वन स्टेट टू अनदर स्टेट। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन के लिए आज का दिन थोड़ा सा पीड़ादायक है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, किसी बात का बहुत ज़्यादा टेंशन, प्लस आपको लेकर स्पाई करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं तो आज के दिन आपके पर्सन आपको लेकर कहीं घूमने जा सकते हैं, घूमने फिरने की एनर्जी है, इन्जॉय करने की एनर्जी है। वी हैव सन, तो कुछ लोगों के पर्सन के लाइफ में आज का दिन ऐसा हो सकता है जैसे कि इनकी फैमिली में किसी का बर्थडे हो या इनकी फैमिली में कोई फंक्शन हो, लेकिन आपके पर्सन उसमें भी बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड नज़र नहीं आ रहे। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन के लिए आज का दिन ऐसा है जैसे ये बहुत आइसोलेटेड रह सकते हैं, इनका मूड अगर ख़राब हुआ तो डेफिनेटली ये आपसे भी बातचीत नहीं करेंगे, कम बातचीत करेंगे या फिर बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ें रियलाइज़ हो जाएंगी कि आपके पर्सन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है या वो अपनी तरफ से कोई जेस्चर नहीं कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग करते थे या गुड आफ्टरनून करते थे वो भी नहीं कर रहे हैं, तो आपको लग जाएगा, मतलब एक इंडिकेशन मिल जाएगी कि शायद उनका मूड थोड़ा ख़राब है। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन के लिए आज का दिन इनके घर में कोई व्हीकल आ सकता है या ये अपनी व्हीकल से कहीं जा सकते हैं स्पेशली लॉन्ग ड्राइव पे, अगर आप साथ में हो तो बात बन जाए। तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है, कोई ना कोई विश भी इनकी पूरी होते हुए नज़र आ रही है स्पेशली आज या कल में। ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको बहुत होप है कि इनकी कोई इच्छा है बहुत लंबे समय से जो फुलफ़िल होने वाली है। सो ये थी गाइस, और एक एनर्जी और है, जैसे वैसे तो आज संडे है बट स्पेशली आज के दिन भी आपके पर्सन किसी ऐसी सेरेमनी को अटेंड कर सकते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हो, जैसे इनको प्राइज़ मिले या इनके किसी घर के मेंबर को किसी तरह का प्राइज़ मिले या इनको फाइनेंशियल लाइफ में कोई प्रमोशन मिले, अप्रिशिएशन मिले, इस तरह का कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो जिसमें आपके पर्सन आज के दिन जा सकती हैं या जा सकते हैं, तो ये भी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आज की एनर्जी,
और थोड़ी देर में मिलते हैं एस्ट्रो विद एम सिंह में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।